क्रिकेट के बाद अब बात चेस ओलंपियाड का हम रुक कर रहे हैं, जहां पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चेन्नई के महाबलीपुरम में कल से चेस ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है। चेस ओलंपियाड का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। ओलंपियाड में 162 टीमों के साथ रिकॉर्ड 187 देशों के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले 2018 में जॉर्जिया में चेस ओलंपियाड में कुल 179 देशों की टीमों के खेलने का रिकॉर्ड बना था। भारत ओपन और महिला दोनों वर्ग में अपनी तीन तीन टीमें उतारेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप, ओलंपिक और वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के बाद चेस ओलंपियाड सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाबलीपुरम के नेहरू इंडोर स्टेडियम में 28 जुलाई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में प्रतियोगिता का उद्घाटन भी करेंगे। मुकाबले 29 जुलाई से खेले जाएंगे और ये 10 अगस्त तक चलने वाला है। तो चलिए आपको बता दें कि क्यों चेस के सबसे बड़े टूर्नामेंट को लेकर देश उत्साहित नजर आ रहा है और इस टूर्नामेंट को अब तक का सबसे बड़ा आयोजन क्यों कहा जा रहा है। देखिए, दरअसल ये जो महाआयोजन है वो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि दुनिया के 187 देशों ने अब तक इस टूर्नामेंट में खेलने की पुष्टि की है। इस तरह सबसे ज्यादा देशों के हिस्से लेने का रिकॉर्ड भी महाबलीपुरम में बना हुआ है। यह आयोजन फुटबॉल और वर्ल्ड एथलीट्स के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। बिल्कुल, देखिए ओल्ड महाबलीपुरम में खिलाड़ियों के ठहरने का बाकायदा इंतजाम किया गया है। 5-स्टार होटल में और ईस्ट कोस्ट रोड पर भी खिलाड़ियों के ठहरने की बाकायदा व्यवस्था है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों के लिए खास ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि उन्हें आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस न हो। बिल्कुल, देखिए तो ये बहुत बड़ा स्तर पर होने वाला है रोमिता, और इस पर सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी मेजबानी जो है इंडिया कर रहा है और इतने बड़े स्तर पर कर रहा है। उसी की थीम में हमने आपको लगातार पैकेजेस दिखाए हैं कि चाहे वो ब्रिज हो या तमाम जो शहर है पूरा उसको चेस के रंग में रंग दिया गया है। बिल्कुल, और खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इसके उद्घाटन के लिए, इसलिए ये पूरा आयोजन और ज्यादा खास हो जाता है। कुछ इससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, चेस ओलंपियाड का आगाज जो है वो बहुत जल्द होने वाला है, इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार चेन्नई के महाबलीपुरम में इसका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन में पहुंचेंगे। 10 अगस्त तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है, जिसमें कई तरह के जो गेम्स हैं वो होंगे, लेकिन चेस पर खास फोकस होगा। कई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कई देशों के खिलाड़ी भारत पहुंचेंगे इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो एक तरीके से भारत का डंका जो है वो चेस ओलंपियाड में बचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमिता, और देखिए कि ये जो पहल है इसके माध्यम से बच्चों को और तमाम जो नए युवा हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करने की भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और ऐसे कार्यक्रम का मकसद ही यही होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो शतरंज की ओर और बढ़े और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं इस प्रतियोगिता में शामिल हो, इसलिए इतने बड़े आयोजन का जो आगाज शुरू हो रहा है।